हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी शर्मा और मैं आपके साथ करने वाली हूँ कुछ फिल्मी गपशप। तो चलिए थोड़ा फिल्मी हो जाते हैं। बसंत का महीना जो है वो अल्हड़पन और खूबसूरती का प्रतीक है। वैसे भी फरवरी महीना प्यार का महीना माना जाता है, तो इस प्यार भरे मौसम में आज हम बातें करते हैं कल यानी 31 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म जवानी जाने मन की। ये फिल्म नितिन कक्कर के निर्देशन में बनी है और इसमें मुख्य कलाकार हैं सैफ अली खान, अलाया फर्नीचर वाला, तब्बू, कुबरा सैद और कुमुद मिश्रा। ये फिल्म समाज में रिश्तों के बदलते पैमानों पर है, जहाँ पर अकेलापन सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। फिल्म में भरपूर कॉमेडी है और उसके साथ ही मैसेज भी दिया गया है। फिल्म में प्यार, परिवार, रिश्तेदार और जिम्मेदारियों का एहसास है। फिल्म की शुरुआत होती है जसविंदर उर्फ जैज यानी सैफ अली खान से, जो सिंगल है और उसे एंजॉय करना बहुत पसंद है। वो हमेशा जिम्मेदारियों से भागता है, लेकिन उसे पार्टी करना, कूल रहना बहुत पसंद है। 40 साल की उम्र में भी वो खुद को टीनेजर समझता है। फैमिली ना आदमी को चोमू बना देती है। शेर हूँ मैं शेर, और शेर तब तक राजा होता है जब तक अकेला रहता है। जैज अपनी जिंदगी को खुलकर जीता है और तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है टिया यानी अलाया फर्नीचर वाला की। वो उसके साथ भी फ्लर्ट करना शुरू करता है, तभी उसे पता चलता है कि वो उसकी बेटी है जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है। ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूँ, इसके पेट में इसके बॉयफ्रेंड का बच्चा है, डिम्पी इसका चाचा लगता है, आप इसके दादा दादी लगते हो, अब परदादा दादी बनने वाले हो। जिम्मेदारियों से भागने वाला जैज टिया से भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन टिया उसका साथ नहीं छोड़ती है। मैं किसी का पापा वापा नहीं हूँ, समझी? क्यों समझेंस प्रॉब्लम? आप बाप हैं और ये आपकी बेटी। अब जैज इस जिम्मेदारी को निभाता है या फिर उससे भी मुंह मोड़ लेता है, ये जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। एक्टिंग की अगर हम बात करें तो जैज के किरदार में सैफ अली खान ने जान डाल दी है, लेकिन हम अलाया को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये अलाया की पहली फिल्म है, लेकिन पहले फिल्म में ही उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक था। उन्होंने हर सीन को बखूबी जिया है। वहीं छोटे से किरदार में ही तब्बू ने भी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। वैसे हम उन्हें स्क्रीन पे और टाइम देखना चाहते हैं, जो कि हमें नहीं मिला। फिल्म बीच बीच में थोड़ी खिंचती जरूर है, लेकिन इसका भरपूर कॉमेडी इसे वापस ट्रैक पे ला देता है। तुमने मुझे 21 साल से ये नहीं बताया कि मेरी एक बेटी है, एक कॉल कर देती। I hate phone calls. हमारी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।